अरे शुगम भैया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आज इतने सारे हल क्यों आए हैं? अरे हाँ सिंचन, बता रहा हूँ। आज दोस्तों यहाँ पे दुनिया के सारे खतरनाक वाले हल्क है। यस गाइजर, यानी कि यूनिवर्स के सारे हल्क यहाँ पे मौजूद है। और दोस्तों आज यहाँ पे मुकाबला होने वाला है दो हल्क के बीच में। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे आज मुकाबला होने वाला है ये रेड हल्क में और ये क्या, अरे इसका नाम क्या है, अच्छा हाँ सिंह वाले हल्क में। अरे शुगम भैया, उसका नाम सिंह वाला हल्क नहीं है, उसका नाम है हल्क रिवेंजर। अरे अरे सॉरी यार, मुझे नाम ही याद नहीं था। अच्छा तूने नाम याद दिला दिया। तो दोस्तों आज मुकाबला होने वाला है रेड हल्क के बीच में और फिर ये हल्क रिवेंजर के बीच में। दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक हल्क है। आज देखेंगे दोस्तों कि दोनों हल्क में कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज ये लोग गाड़ियां उठा के फेंकेंगे, अपनी शक्तियों से लड़ेंगे और अपनी शक्तियों से कूदेंगे। तो देखते हैं यार कौन सा हल्क सबसे ज्यादा पावरफुल है और कौन आज जीतेगा। अरे शुगम भैया, मुझे तो पक्का है कि नहीं कि वो मुच्छड़ हल्क जीतेगा, लाल वाला है। अरे नहीं नहीं पिंचन, मुझे लगता है वो सींग वाला हल्क जीतेगा। अरे सिंचन, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन सा हल्क सबसे शक्तिशाली और कौन जीतेगा आज का चैलेंज। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला राउंड है, देख सकते हैं यहाँ पे दो बस रखी है और दोस्तों इन दोनों के दोनों बसों को हल्क को अपनी शक्तियों की मदद से उठा के फेंकना है और दोस्तों जो ज्यादा दूर फेंक पाएगा वो पहला राउंड जीत जाएगा। तो देखते हैं यार कौन सा हल्क पहले आता है और कौन सबसे ज्यादा दूर बस को फेंकता है। अरे शुगम भैया, ये क्या, यहाँ पे सबसे पहले चैलेंज को करने के लिए सिंह वाला हल्क है। अरे आज तो लगता है सिंघाड़ा मिलेगा खाने को। अबे सिंचन, अपना मुंह बंद रखे, जब देखो खाने पीने की बातें करता रहता है। और गाइस यहाँ पे हल्क रिवेंजर आ चुका है और देखते हैं ये बस को उठा के कितनी दूर फेंक पाता है। अच्छा गाइस यार, यहाँ पे इसने लेफ्ट वाले बस को चूज किया और देख सकते हैं भाई साहब, इसने पूरे के पूरे बस को उठा लिया अपने दोनों हाथों पे। बाप रे बाप, ये बस कितनी भारी होती है। अभी देखते हैं कितना ज्यादा दूर फेंकता है इसको। और भाई साहब यार, यहाँ पे इसने फेंक दिया है बस को और गाइस देख सकते हैं बस कितनी ज्यादा दूर जाके गिरी है, टेढ़ी होके गिरी थी और गाइस यार काफी दूर है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, बस तो सीधी हो गई लेकिन यार काफी ज्यादा दूर फेंका इसने। अरे डस लूंगा कलुए, अब ये देख लाल वाला हल्क आया है, अब ये देखना ये पक्का इस बस को उठा के इससे भी ज्यादा दूर फेंकेगा और वो सिंघाड़े वाले को हरा देगा। अरे सबको डस लूंगा। अरे वैनम थोड़ी देर शांत हो जाए यार, देखते रेड हल्क कितनी ज्यादा दूर फेंकता है। और गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे रेड हल्क ने भी यार बस को उठा लिया अपने दोनों हाथों में। भाई साहब इतनी भारी बस होती है, फिर भी यार ये हल्क उठा लिया और यहाँ पे इसने भी फेंक दिया, देख सकते पूरा दम लगा के। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, बस इसकी भी टेढ़ी हुई और फिर से सीधी हो गई भाई साहब। और ये क्या, ये वाली बस भी उसके बाजू में जस्ट जाके चिपक गई। अरे ये क्या, दोनों हल ने सेम जगह पे फेंका। गाइस यहाँ से पता नहीं चल रहा है, मुझे पास जाके देखना होगा। और गाइस ये क्या, ये दोनों की दोनों बस तो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे आके घिरी है, देख सकते हैं यहाँ पे आगे से देखते हैं। और भाई साहब ये क्या, दोनों के दोनों बस एक साथ चिपक चुके हैं। और गाइस ये देख सकते हैं दोनों एक ही लेवल पे, मतलब यार एक इंच भी आगे नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं गोली मारता, देखते हैं गोली टकराती कि नहीं। और देख सकते हैं गाइस गोली टकराई नहीं, सीधा जाके जमीन पे लगी है। मतलब यार इनमें से दोनों की दोनों बस कोई भी आगे नहीं है ना ही पीछे, दोनों बराबर लेवल पे। मतलब भाई साहब ये राउंड तो टाई हो गया यार दोनों के दोनों हल्क के बीच में, क्योंकि यार उनकी शक्तियां भी बिल्कुल सेम टू सेम है। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि टाई हो जाएगा। अब छोड़ो गाइस, वो राउंड तो ड्रॉ हो गया, अब आ चुके हम सेकंड राउंड में। और गाइस यहाँ पे सेकंड राउंड में हमारे हल को यहाँ पे जंप करना होगा। यस गाइस यार आपने सही सुना, इनको जंप करके पहले इस वाले पेड़ को पार करना होगा, फिर इस वाले पेड़ को और फिर सबसे बड़ा वाले पेड़ को बिना पत्तियों को छुए। यस गाइस यार, अगर वो पत्तियों को छुए तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे और जो भी पार कर पाया वही जीतेगा ये वाला राउंड। उड़ी बाबा, मेरे 20 साल के तजुर्बे में मैंने ऐसा छलांग वाला राउंड कभी नहीं देखा जिसमें लोगों को छलांग मार के जीतना होगा। उड़ी बाबा। हाँ तो टॉस में नहीं देखा तो आज देख लेना। यहाँ पे सबसे पहले रेड हल्क आया राउंड को कंप्लीट करने के लिए और देख सकते हैं रेड हल्क आके छोटे वाले पेड़ को जंप करके पार कर दिया आसानी से। और यार ये वाले हल्क में भी काफी अच्छी शक्तियां होती है यार जंप करने की। और देख सकते हैं अभी दूसरे पेड़ को इसको पार करना जो कि काफी ज्यादा बड़ा है ऊंचाई में, आम इंसान तो इस पर चढ़ना ही मुश्किल होगा, लेकिन ये क्या हल्क ने तो इसको जंप करके भी आसानी से पार कर दिया। भाई साहब हल्क क्या बड़ी बड़ी छलांगे मारता है। और अभी गाइस यार ये तीसरा सबसे बड़ा पेड़ है,
इसको यार जंप करके पार करना मुश्किल होगा। देखते रेड हल्क इसको पार कर पाता है कि नहीं। और यहाँ पे रेड हल्क ने रन अप ले लिया है और यहाँ पे इसने लगा दी तगड़ी वाली जंप और बूम गाइस इसने पार कर दिया। भाई साहब यहाँ पे रेड हल्क ने तो यार इस वाले राउंड को पार कर लिया। अभी देखते यार हमारे सिंह वाले हल्क, अरे मेरा मतलब हल्क रिवेंजर, इसको पार कर पाता है कि नहीं। और दोस्तों यार तब तक आप लोग कॉमेंट में बताओ कि आपको ये दोनों हल्क में से कौन सा हल्क सबसे ज्यादा पसंद है। फटाफट कॉमेंट बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो और हमारे चैनल शुगम गेमिंग को सब्सक्राइब भी कर दो नोटिफिकेशन ऑन करके, फटाफट कर दो। अब चलो शुगम भैया, देखते ही सिंह वाले हल्क का जलवा, यहाँ पे इसने जंप करके यार छोटे वाले को तो आसानी से पार कर दिया और ये क्या दूसरे वाले से टकरा गया। अच्छा अच्छा, ये पीछे के रनअप ले रहा है। अब इसने रनअप लिया और इसने वापिस एक तगड़ी वाली जंप लगा के उसको भी पार कर दिया। यू, और अब ये बड़े वाले को पार करना है। अरे ये क्या, अरे इसने तो गलती कर दी। अरे ये तो टकरा के कुछ ज्यादा ही दूर गिर गया और इसने तो बेइज्जती करवा ली अपनी। अरे हाँ सिंचन यार, ये तो गलती कर दी यार हल्क रिवेंजर ने, क्योंकि यार उसने पेड़ से टकरा के यार पेड़ से आगे चला गया और पेड़ को जंप करके पार ही नहीं किया। तो गाइस यार ये मानना सही होगा कि इस वाले राउंड के विनर है रेड हल्क। यस गाइस यार, क्योंकि उसने आसानी से तीनों पेड़ को पार कर दिया था। तो चलो गाइस अभी चलते नेक्स्ट राउंड में और देखते नेक्स्ट राउंड कौन जीतता है। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके नेक्स्ट राउंड में, यानी कि तीसरे राउंड में, और दोनों हल्क भी यहाँ पे। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नेक्स्ट राउंड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखे बहुत सारी गाड़ियां। यस गाइस यार, ये जो स्क्वायर है इसके अंदर देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां। और दोस्तों इन सारी की सारी गाड़ियों को फोड़ना है हल्क को। यस गाइस यार, वो भी एक ही पंच में। एक पंच में हल्क जितनी ज्यादा गाड़ियां फोड़ेगा, जितनी तबाही मचाएगा, वो इस राउंड का विनर होगा। तो देखते हैं कौन सा हल्क कितनी गाड़ियां फोड़ पाता है एक पंच में। अरे शुगम भैया, वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी गाड़ियां यार फालतू की, जैसे कि कचड़े की गाड़ी है, यहाँ पे ये ट्रक है, यहाँ पे ये ट्रैक्टर है, कोई भी महंगी गाड़ी क्यों नहीं है, सब खटारी गाड़ियां ही क्यों है। अबे तो सिंचन यहाँ पे मैं क्या सुपर कार लाके डालूं? अब यार हल्क इन सबको तबाही करके फोड़ने ही वाला है, तो यार सारे पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे ना। तो मैंने यार इसलिए दिमाग लगाया, मैंने कबाड़ी वाले के उधर से सस्ती में गाड़ियां ला लिया यार, क्योंकि अब भाई मेरा इतना ज्यादा बजट नहीं है ना, समझा करो तुम लोग। अरे डस लूंगा कलवे, तू तो पहले से ही गरीब है और यहाँ पे सींग वाला हल्क पहले आया है चैलेंज को करने को। देखते ये कितनी तबाही मचाता है। अरे ये क्या कर रहा है, इसके गोल गोल चक्कर क्यों काट रहा है? अरे तू इसे शादी तो नहीं करने वाला ना फेरे लेके? अरे डस लूंगा। अबे नहीं बे वैनम यार, वो देख रहा होगा कि कितनी गाड़ियां फोड़नी है। और यहाँ पे हल्क ने यार पंच मार दिया बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला, और देख सकते सारी सारी गाड़ियां यार फूट फाट के इधर उधर फेंक चुके हैं। कितनी तबाही मचा दी यार हल्क ने। रुको गाइस, अभी मुझे अच्छे से चेकिंग करनी होगी कि कितनी गाड़ियां फूटी है और कितनी नई फूटी है। ओके सो दोस्तों, यहां पे सिंह वाले हल्क ने यार लगभग सारी गाड़ियां फोड़ी दी है, इसको भी फोड़ी दिया, मतलब यार इसका इंजन फूट चुका, तो इसको भी फूटे में गिनेंगे। लेकिन गाइस ये गाड़ी नहीं फूट पाई, यहां पे देख सकते हैं ये गाड़ी सही सलामत है। यहां पे बोट भी पूरी जल के राख हो गई है, ये ट्रेलर भी फूट चुका है, एकदम काला हो चुका है। और देख सकते हैं बाकी सारी गाड़ियां भी यहाँ पे भी फूट ही चुकी है। हाँ गाइस, ये भी फूट गई, ये भी फूट गई, ये भी, और यहाँ पे सुपर कार की ट्रॉली भी फूट गई है, और एक कचड़े की गाड़ी भी, और ये भी मतलब हाँ हाँ जल गई है, मतलब ये भी फूटे में ही गिनाएगी। तो गाइस यार यहाँ पे सिंह वाले हल्क ने सिर्फ एक गाड़ी नहीं फोड़ पाया, मतलब देख सकते ये वाली गाड़ी को। तो गाइस अगर रेड हल्क को जीतना है तो उसे सारी की सारी गाड़ियां फोड़नी होगी, एक गाड़ी भी नहीं बचनी चाहिए। अगर एक गाड़ी भी बचेगी तो मतलब टाई हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं रेड हल्क के लिए यार मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली, मतलब यार ये सारी की सारी गाड़ियों को वापस मंगवा दिया, क्योंकि भाई साहब कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। सारी की सारी सेम गाड़ियां है और सब कुछ सेम जगह पे, देख सकते हैं यहीं पे अभी यार तबाही मचाई थी उस वाले हल्क ने, और यार यहीं पे मैंने सेम गाड़ियां मंगा दी, ताकि यार बाद में कुछ भी लफड़ा ना हो कि मेरी गाड़ियां अलग थी, मेरी शक्तिशाली थी इसलिए नहीं फूटी। तो चलो देखते हैं गाइस यार अब रेड हल्क कितनी गाड़ियां फोड़ पाता है। हल्क से शक्तिशाली कोई नहीं, हल्क सबको तोड़ फोड़ देगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे ये क्या, यहाँ पे रेड हल्क भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में, और यहाँ पे ये भी यार गोल गोल घूम के चक्कर काट के यार जायजा ले रहा है कि कितनी गाड़ियां है और ये कैसे फोड़ेगा। और देख सकते हैं यहाँ पे इसने जायजा ले लिया है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे रेड हल्क जंप लगाने वाला है और यहाँ पे इसने रन अप ले लिया भाई साहब काफी लंबा वाला, और यहाँ पे कूद जंप लगा दी तगड़ी वाली, लेकिन ये क्या है तो साइड में कूदा, और यहाँ पे इसने एक और पंच मारा, और यहाँ पे इसने एक और पंच मारा। भाई साहब टोटल तीन
पंच मारे, लेकिन यार इसको तो एक ही पंच मारने थे, ये तो गलत है यार, एक पंच में इसको फोड़ना था लेकिन इसने तीन पंच मारे। और दोस्तों चलो चेक कर लेते इसने कितनी गाड़ियां फोड़ी है। ओके भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले हल ने कितनी तबाही मचाई है, और देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी तो यार सामने ही बच गई। अबे यार इसको तो जरा भी डैमेज नहीं पड़ा ये व्हाइट वाली गाड़ी को, बोर्ड तो चलो फूट गई। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, चलो एक गाड़ी हुई और ये कचड़े की ट्रेलर भी बाकी है पीछे से, चलो आगे से जल गई है तो चलो इसको मान लेते फूट गई है। और चलो यहाँ पे देख लेते ये भी फूटी है। और गाइस एक मिनट, ये क्या, ये ट्रेलर तो पूरा का पूरा बिल्कुल सही सलामत है यार। शिट, मतलब यार रेड अल्क ने दो गाड़ियां छोड़ दी और ऊपर से उसने तीन पंच लिए ये सबको फोड़ने में। मतलब यार गाइस ये वाला चैलेंज यार हल्क रिवेंजर जीत गया सिंह वाला, क्योंकि यार उसने एक ही पंच में सब फोड़ दिया और इसमें यार तीन पंच में भी रेड अल्क ने नहीं फोड़ पाया। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों हल्क के दो दो पॉइंट हो चुके हैं इक्वली। अब देखते हैं यार नेक्स्ट राउंड यानी फाइनल राउंड में ये लोग क्या जलवा दिखाते हैं, क्योंकि गाइस नेक्स्ट राउंड में जो जीतेगा वही आज का चैलेंज भी जीत जाएगा। अरे शुगम भैया ये क्या, ये मौसम क्यों बदल गया और ये दोनों यहाँ पे टेरेस पे क्या कर रहे हैं? अरे पिंचन वही तो सीन है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे लॉस सांटोस का मौसम बदल चुका, क्योंकि ये दोनों हल के बीच में अब होने वाली है धुआंधार लड़ाई। जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, अब ये दोनों लड़ने वाले वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी शक्तियों की मदद से। अब तो यार मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, अब तो बस यार आप लोग बस इनकी लड़ाई देखो, जो भी आखिरी तक जिंदा बचेगा वही आज का ये चैलेंज जीतेगा और कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली हल्क है वो कहलाएगा। So, दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का चैलेंज हो चुका है कंप्लीट फाइनली, और देख सकते हैं यहाँ पे आज के चैलेंज का विनर है रेड हल्क। इसने यार हल्क रिवेंजर को हरा दिया, क्या ही धूल चटा यार, क्या फाइटिंग हुई आज, तो मजा ही आ गया। मतलब यार क्या कूटा है रेड हल्क ने, क्या कूटा है भाई बता नहीं सकता। एट द एंड यार उसने आग के बीच में जाके मारा, यस गाइस यार रेड हल्क है तो ऑब्वियसली फायर की पावर तो होगी, तो इसने यार पूरे आग के बीच में जाके उस हल्क रिवेंजर को बहुत ही कूटा है। आज तो मजा ही आ गया यार इनकी फाइट देख के। अगर दोस्तों आपको मजा आया होगा तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और गाइस कमेंट में बताओ अगली बार हम कौन से दो हल के बीच में फाइट कराएंगे, जल्दी फटाक से कमेंट में बताओ। अच्छा सिंचन यार रुक तो जरा, मैं ये प्लेन का एक बार टेस्ट ड्राइव तो कंप्लीट करके आऊं।
Can I be your superhero?